हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शर्मा और मेरा जो चैनल है जय माता की ऑफिशियल 63 है। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस को देखें और मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें ताकि मैं आगे ऐसे और अच्छे से वीडियो बना सकूं। बाकी दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जब सपोर्ट करोगे तभी तो हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। आप देख लीजिए मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। आप चाहते हैं और अच्छी वीडियो बने और अच्छे आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें आए तो कृपया हम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मुझे सजेशंस दें कि किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग, मैं नया नया अभी बना हूँ, नया नया मेरा चैनल खुला है 338 सब्सक्राइबर्स के साथ। मैं और क्या कर पाऊँगा, मुझे और भी सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इधर से और भी बनाते हैं दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से हम लोगों को इधर आना पड़ा। इस गली का सहारा इसीलिए लेना पड़ा कि वहाँ पर भीड़ बहुत है और आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर तैयारी हो रही है। और जेमिनी जी Yeah।
Thank you.
हम लोग हैं और आप लोग देख रहे हैं कि आज 12 में डोल यात्रा निकल रही है, तो जानना चाहेंगे पंडित जी से। पंडित जी आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन के बारे में कि कैसे क्या हुआ था, कैसे यह यात्रा शुरू हुई? ये बोला ना सर, ये हमारे हरियाणा गौड़ ब्राह्मण समाज, ये आराध्य देव भगवान श्री केशवराय जी महाराज का बयान आज जलदून एकादशी पर यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। हमारे समाज के यहाँ पर लगभग 100 परिवार के आसपास यहाँ पे निवास करते हैं, उन सभी के सहयोग से आज के लिए जलदून में यात्रा भगवान नगर भ्रमण करेंगे और डोल मेला जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक तालाब है उसके पाल पर इनका स्नान होगा और पूजा आरती के साथ ही विसर्जन होगा। मैं सत्यनारायण शर्मा। आज के दिन के पीछे की, आज इस यात्रा के पीछे की कोई कहानी क्या है? ये हमारे हाड़ोती जो अन्नपूर्णा नगरी है इसका ऐतिहासिक मेला है सर। आज के दिन यहाँ पर जितने भगवान है और जितने भी यहाँ पे देव मंदिर हैं उन सबके आराध्य देवताओं को हम नगर भ्रमण के लिए ले जाते हैं और जल जीवनी पे उनको स्नान करवाते हैं, जलवा पूजन करवाते हैं। ले ले यहाँ की परंपरा हाँ तो पिताश्री आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन की कहानी क्या है, क्या है क्या नहीं है, किस वजह से ये यात्रा निकाली जाती है, इसका कुछ वर्णन देंगे आप? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा सूरज भूमि में जो रहने गई थी उसी खुशी में आज के दिन प्रतिवर्ष 12 में ये एकादशी पर विमान यात्राएं निकाली जाती है जिसमें 12 के लगभग 60 मंदिरों के विमान शामिल होते हैं और ये डोल मेला तालाब पर पहुँचते हैं, वहाँ सामूहिक रूप से जलवा पूजन का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। प्यार दें और इस व्लॉग को आप लोग अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।